नहीं नहीं या मैं से कर नहीं 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 चलिएगा, हम आ गए हैं, लाइव हैं। इनामुल स्वागत है आपका। और दोस्तों वादे के मुताबिक 3 बजे, थोड़ा सा 5-4 सेकंड आगे पीछे हुआ होगा। हाँ नहीं नहीं समय से आए हैं जी, बिल्कुल। तो आपका स्वागत है फेसबुक पर, और अपने फेसबुक के जरिए आप दुनिया के तमाम अपने प्रशंसकों से मुखातिब हैं अभी। कुछ एक सवाल तो आने शुरू होंगे जी, और फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कि क्या सोच कर मुंबई आए थे। नहीं, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस इवेंट के लिए। फेसबुक लाइव ये मेरा पहला फेसबुक लाइव है, जैसे मैंने अब्दुल्ला अमाम का सहारनपुर से लवा गया। अरे वाह, तो उनको भी मेरा प्यार। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले शेयर भी किया कि पहली चीज़ हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती है। तो मेरा पहला फेसबुक लाइव है, इसके बहाने आप भी और ये लाइव भी टेलीकास्ट मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका सवाल कि क्या सोचकर मुंबई आया था। सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। नहीं, क्या फिल्मकार बहुत खुश होगा, फिल्में देगा। सोच के तो सर सपने लेकर आया था और एक्टर बनने आया था पहली बार जब आया था तो। लेकिन पहले एक महीना मैंने एक्टिंग में जो सो कॉल्ड जो हमने नाम दिया स्ट्रगल, वो मैंने एक महीना किया। फिर उसके बाद मैं वापस चला गया बिस्तर बोरे बांध के। तो मुझे समझ में आ गया था बेसिकली स्ट्रगल नाम ही गलत दिया है, ये फाइट है। मनोज आपको देख रहे हैं, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी जी, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। और आप जैसे अभिनेताओं से इंस्पायर होके ही मतलब यहाँ आए और काम हम बीच बीच में ऐसा आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। आप करते रहिए, मैं ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हूँ। संदीप नाथ जी भी देख रहे हैं। संदीप नाथ जी को भी मेरा नमस्कार। आपके डॉक्टर सागर जी एनयू भी पहुंच गए। संदीप नाथ जी की भी फिल्म कर रहा हूँ, एक डीएनए में गांधी जी। अरे वाह, बिल्कुल। तो उनको मैंने देखी वो फिल्म आपकी। अरे धन्यवाद। तो वापस सवाल पे आते हैं। आया था, फिर मुझे लगा ये स्ट्रगल नहीं, ये फाइट है। और फाइट का एक ही रोल होता है, करो या मरो। तो मेरी ज़िंदगी का वही एक ये रहा है कि करो या मरो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, फिर बहुत लोगों की नाराज़गियाँ भी चलती है साथ, बहुत कुछ, लेकिन जो करना है तो करना है। तो एक्टर नहीं बन पा रहा था तो इसलिए राइटर बन गया, क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती। फाइनेंशियल क्राइसिस, सीधे सीधे शब्दों में कहें, आई कुड नॉट अफोर्ड इट, आई हैड नो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के जो मुझे सपोर्ट कर सके, भैया हर महीने का किराया भेज सके। बट आई वॉज लक्की इनफ टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। तो एक दोस्त ने छत दे दी कि मेरे यहाँ रह ले जब तक तुझे दिक्कत है। एक ने टिकट करा दिया ट्रेन का कि आ जा। 40 लोग लाइव देख रहे हैं आप। अरे 40 लोगों को 40,000 बार प्रणाम मैं करता हूँ। तो इस तरह मतलब वो वाली सपोर्ट तो बहुत थी दोस्तों की और उन लोगों की, लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं एक फ़ोन कर दूँ और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। तो अपनी लड़ाई थी, खुद लड़नी थी। तो फिर रास्ता बदला कि आपके अंदर एक बेस्ट होता है, फिर सेकंड बेस्ट होता है। तो अपना जब अगर बेस्ट वर्क नहीं कर रहा है तो आपका सेकंड बेस्ट डेफिनेटली वर्क करता है। तो राइटिंग का थोड़ा बहुत शौक था बचपन से, मतलब वहाँ सहारनपुर में न्यूज़पेपर्स में कहानियाँ वहानियाँ लिखता था। तो यहाँ एज ए करियर उसको बनाया, लेकिन तब पूरी तरह एक्टिंग को भूल गया। फिर मतलब उधर नहीं गया, बीच में मैं मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता, ना मुझे होना आता है। ये कभी नहीं हुआ लाइफ में आपके? ना, मैं मतलब जैसे बहुत अच्छा पेंटर हूँ, मेरी एक पेंटिंग आपको लगी हुई दिखेगी, मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ कि मैं अच्छा पेंटर हूँ। बिल्कुल, कविताएं भी लिखता था ये सब, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ ढोना, मतलब अपने आप ही को बोझ से लाद लेना है। तो फिर वो जो आप सफर तय कर रहे होते हैं वो और स्लो हो जाता है, क्योंकि वज़न जितना ज़्यादा होगा, आप अपने कंधों में जितना ज़्यादा वज़न लेके चलेंगे उतना धीमे चलेंगे। हालांकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे तेज़ दौड़ना है, लेकिन सीधे रास्ते पे उस पे जाना है। तो मैंने फिर ये सारे टैलेंट जितने भी हैं पोटली में बांध के रख दिए। ज़िंदगी में कभी आराम वाला टाइम आएगा तो बैठ के फिर पेंटिंग करूँगा, फिर कविताएँ लिखूँगा, अब जब होगा। तो फिलहाल तो एक्टिंग पे फोकस है, वही आपका आशीर्वाद है, सही चल रहा है। थोड़ा हम लोग पीछे लौटें, सहारनपुर के दिनों को याद करें जी, और अपने थोड़ा पारिवारिक माहौल और मोहल्ले जी। तो उस माहौल और उस मोहल्ले के माहौल के बारे में बताएं, क्या था पारिवारिक माहौल आपका? मेरा बेसिकली अगर और भी पीछे से जाए, मेरा जन्म हुआ है कैलाशपुर नाम के, मतलब उससे भी पहले एक सत्संदी नाम का एक गांव था जिसमें बिजली भी नहीं थी, मतलब 6 बजे लोग घरों में सो जाते थे। वहाँ मैं मतलब मेरी ज़िंदगी का एक ही साल गुजारा होगा। तो मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था, हम कैलाशपुर नाम के दूसरे कस्बे में आ गए थे जो शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उस कस्बे में मेरा बचपन बीता, 8वीं क्लास तक मैंने वहीं पढ़ाई करी। फिर मेरे वालिद साहब की जो नौकरी थी वो तबादलों वाली नौकरी थी, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, उनको सहारनपुर आना पड़ा।
माहौल वो था कि मुझे मतलब हमारे घर में टीवी भी नहीं था okay. और टीवी देखना अलाउड नहीं था mm-hmm. ऐसा बोला गया था कि टीवी देखना हराम है ये mm-hmm. है वो है mm-hmm. बाद में मुझे पता चला बहुत जब मुझे खुद की समझ आई तब मैंने रियलाइज किया कि हराम वराम कुछ नहीं दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय ए टेलीविजन उनके पास पैसे टीवी खरीदने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने सिद्धांत बना दिया हरे को हरे नाम जो हाँ जो मुझे लगा तो मैं मोहल्ले पड़ोस में जा जाके इधर उधर दोस्तों के घर देखता था टीवी ना फिर पहली बार मैंने नुक्कड़ नाटक देखा था सड़क पे जब हम सहारनपुर आ ही आए थे तो वो जो ड्रामा मैं टीवी में देखता था वो सड़क पे देख के मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य था कि यार ये सड़क पे कौन से साल की बात होगी ये 1993 की बात है हम लोग 92 में शिफ्ट हुए थे 93 में मैं कॉलेज से आ रहा था साइकिल पे अपनी मैंने देखा मजमा लगाया मुझे लगा तो मदारी कुछ होगा देखा 4-5 लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं तो वो मेरे लिए मतलब मुझे नुक्कड़ नाटक टर्म भी नहीं मालूम था नुक्कड़ नाटक क्या होता है मेरे लिए था एक नाटक होता है जो टीवी पे आता है ये तो सड़क पे हो रही है क्या है तो वहाँ से मुझे लगा था कि यार ये तो मुझे मैं मतलब ये मेरी रीच में है मैं कर सकता हूँ मैं मुझे करना चाहिए तो उनको ज्वाइन करना चाहिए अब वो लोग वहाँ से चले गए नाटक करके ये ख्याल मुझे रात को आया अब अगले दिन मैं उनको कहाँ ढूँढूँ वो लोग तो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे सड़क पे थे एक मोहल्ले में थे अब कहाँ मुझे उनका कोई पता ठिकाना नहीं तो आप बिलीव नहीं करेंगे मैं रोज़ कॉलेज से आते वक्त अपना रास्ता बदल देता था हर नए रास्ते से आता था कि शायद आज इधर कर रहे होंगे शायद आज इधर कर रहे होंगे तो 2 साल लगे मुझे उन्हें ढूंढने में 2 साल बाद फिर पाए गए भी मुझे नुक्कड़ नाटक दो साल तक मैं ऐसे ढूंढता रहा तब पता लगा कि वो तो 6 महीने में एक आधा नाटक करते हैं तो मुझे रोज कहाँ मिल जाते हैं तो इप्टा ग्रुप था तब मैं ग्रेजुएशन के पहले साल में था जब मैंने उनको ढूंढा तब ये मेरे ख्याल से 1995 की बात है 93 से शुरुआत हुई थी 1995 में मैंने ढूंढ लिया तो डोभाल जी थे हमारे जनरल सेक्रेटरी और सरदार अनवर साहब इप्टा के प्रेसिडेंट डोभाल जी का पूरा नाम वी के डोभाल वो थे जनरल सेक्रेटरी थे और सरदार अनवर साहब वो प्रेसिडेंट थे जो अब मेरे रिश्तेदार भी हैं मेरे फादर इन लॉ हैं तो उनको मैंने उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ रिहर्सल पे तो फिर रिहर्सल पे जाना शुरू किया तो घर वालों की आपत्ति के नाटक वाटक नहीं करना तो फिर मैंने झूठ मुझे लगता है थोड़ा बहुत झूठ जिंदगी में तो मैंने झूठ बोलना शुरू किया कि मैं टाइपिंग सीखने जाता हूँ और उतना झूठ बोला कि टाइपिंग सीखता भी था आधे घंटे टाइपिंग सीखता था और 2.5 घंटे रिहर्सल करता था तो घर पर बता रखा था कि 3 घंटे की क्लास है उस झूठ को भी बांट लेते थे उसको भी बांट लिया था पहले टाइपिंग सीखा तो उनको भी लगता था 3 महीने में अब तक अंदर ज्यादा खलल न रहे उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर टाइपिंग भी आपको आती है तो आपको नौकरी थोड़ी आसानी से मिल जाएगी जीवन चल जाएगा जीवन सुधर जाएगा तो टाइपिंग सीखता था आधे घंटे रिहर्सल करता था 2.5 घंटे फिर नाटक करता था और एक चीज और इंटरेस्टिंग थी कि जब नुक्कड़ नाटक हो रहा होता था और अखबार में फोटो छपने वाला जो वो होता था तो मैं कोशिश करता था मेरा ना छपे क्योंकि घर पे अखबार आता है और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो ऐसे लेकिन मेरा भी छप जाता था और मेरा झूठ पकड़ा जाता था फिर वही सब जो एक आदर्श स्थिति होती है घर में समय की बर्बादी कर रहे हो ये कर रहे हो वो सब जो हम सब ने सुना है कहीं ना कहीं क्योंकि हम सब के माँ बाप जो भी हैं वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं उस वक्त हमको थोड़ा गुस्सा उनके सोच के दायरे में नहीं होता ये कि ऐसा तो उस हिसाब से वो सोच रहे थे साइंस से मुझे पढ़ा रहे थे लेकिन उनकी मेहनत बेकार हो गई मैं कलाकार बन गया फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पढ़ा मैंने ग्रेजुएशन के तो वहाँ कितने नाटक किए आपने सहारनपुर में ऐसे और सारा स्ट्रीट थिएटर ही किया नहीं नहीं स्ट्रीट थिएटर मेरा पहला स्टेज पे भी उतरे नहीं स्टेज पे भी उतरे पहला नाटक था मेरा एकता गधा एकता के साथ ही वो किया और उसके अलावा वहाँ क्योंकि अमेचर थिएटर ग्रुप जो है साल में एक ही नाटक अफोर्ड कर पाते हैं स्पॉन्सर नहीं मिलता ये नहीं मिलता इसी बीच मैंने पढ़ लिया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में जब मैं ग्रेजुएशन के 3rd साल में था तब मैंने ठान लिया था कि यहाँ जाऊँगा लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मांग रहे हैं 10 नाटक करे होने चाहिए तो सहारनपुर में 5-6 थिएटर ग्रुप हैं तो मैं सबके साथ करने लगा थोड़ी आपत्तियाँ भी उठी तुम हमारे ग्रुप वाले हो दूसरे ग्रुप में क्यों जा रहे हो उनको ऐसा लगता था हमने उसका ग्रुप का बंदा तोड़ लिया तो बाद में मुझे लगा वो सब बातें हैं तो सबके साथ मैंने काम किया सब ने मुझे स्वीकार किया सबके सबसे सीखा नुक्कड़ नाटक से सबसे ज़्यादा सीखा एज एन एक्टर जो ग्रोथ हुई मुझे लगता है किसी भी एक्टर को मतलब चाहे कोई महानगरों में रहने वाला है या कोई भी किसी भी परिवेश से आता हो मुझे लगता है 1 या 2 बार नुक्कड़ नाटक कर लें तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है ऑडियंस से 2 हाथ की दूरी पे होते हो आप इंस्टेंट आपको कुछ भी सवाल जैसे मसूरी में हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे थे संसद का सीन लगा था और सरकार से सवाल जवाब चल रहे थे अचानक एक आदमी कूद पड़ा बीच में नाटक में हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं हमारे नाले क्यों नहीं बने हमारे घंटे तो अब वो भी नाटक का पार्ट हो गया तो आपको उसको भी इम्प्रोवाइज करके इनकॉर्पोरेट करना
तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। मुझे लगता है स्ट्रीट प्ले मेरा पहला गुरु रहा है, फिर सब ग्रुप के साथ मिला के 10 नाटक किए और एनएसडी में अप्लाई किया। पहले साल में नहीं हुआ, निराश हो गया, फिर दूसरे साल ट्राई किया, हो गया। तो जब एनएसडी में हो गया तो सहारनपुर के आसपास के जिलों से मैं पहला बंदा था जिसका एनएसडी में हुआ था, तो अखबारों में अच्छे से कवरेज मिली थी। अरे तब जब अखबार लोग पढ़ते हैं तो फिर मेरे वालिद साहब को आते जाते कहते थे, अरे मुबारक हो आपका लड़का तो आगे निकल गया। तब उनको गर्व महसूस होना शुरू हुआ था कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो कौन सी बैच में आया? मैं 2000 में, मेरा मतलब 2000 से 2003, तो 2003 में मैंने, तो लगभग 5 से 6 साल आपने नाटक किए सहारनपुर में। मैंने 1995 से 2000, उससे पहले मैं कॉलेज में, वो स्कूल में वो भी कर रहा था, मतलब वहाँ एक जो जिसमें पढ़ता था मैं, इस्लामी इंटर कॉलेज था, उसका नाम ही इस्लामी इंटर कॉलेज, मैंने वहाँ नाटक घुसा दिया था। सब लोग बोलते हैं ये क्या कर रहा है क्या, तो वहाँ जितने भी 26 जनवरी, 15 अगस्त या उससे पहले इवन गाँव में भी स्कूल में जो भी होते थे आयोजन टीचर लोग, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। इसकी शुरुआत हुई थी बहुत पहले, मैंने किसी से शेयर नहीं किया मेरे ख्याल से। राष्ट्रगान जब होता था तो 3 बंदे निकल के आते थे, लीड करते थे, जो भी वो प्रार्थना होती थी, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो एक दिन कोई भी नहीं आया और टीचर बोल रहे, अरे आओ निकल के कोई, 3 लड़के, कोई नहीं आ रहा कोई। तो मैं पहला कदम बढ़ाया, वहाँ से मेरी शुरुआत थी, ये कोई 7वीं क्लास की बात होगी। और फिर 2 और आए तो हमने वो प्रार्थना पढ़ी, तो वह शक्ति हमें दो, दया निधे, राष्ट्रगान हुआ। वो मेरा पहला ओरिएंटेशन था ऑडियंस से फेस करने का, मेरे लिए वो ऑडियंस हो गए थे अचानक से। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर एनएसडी में आने के बाद, एनएसडी पास आउट होने के बाद, दिल्ली में एक दो शॉर्ट फिल्में बना रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थिएटर कुछ वर्कशॉप ले रहा था, पढ़ा रहा था और पैसे इकट्ठे कर रहा था कि 50,000 रुपये हो जाएंगे तो बम्बई जाऊँगा। ओके, 2 साल हो गए 50 पैसे इकट्ठे एनएसडी का, 3 साल का कोर्स करने के बाद। आप वो उनके क्या कहते हैं रेपेट्री और ये सब में नहीं गए? ना ना, मुझे रेपेट्री में जाना भी नहीं था और मैंने कभी इसलिए स्कूल के सिस्टम को प्लीज करने के लिए ऐसा कुछ किया भी नहीं। मुझे लोग बहुत, मैं एनएसडी में भी एक रेबल टाइप का था, रेबल मतलब जो है, जो गलत है गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। फिर उसमें लालच, मुझे बहुत लोग बोलते थे, अरे पागल हो गए आवाज़ उठा रहे, तेरा रेपेट्री में नहीं होगा। मैं क्लियर था मुझे रेपेट्री में जाना नहीं है मेरा। किन किन मुद्दों पर आवाज़ उठानी पड़ती थी? एनएसडी में थोड़े झगड़ालू किस्म के लड़के रहते हैं। नहीं नहीं, इस सिस्टम को लेके मुझे लगता है कि टैक्स पेयर का पैसा है और हमारी एजुकेशन पे खर्च हो होना चाहिए, क्योंकि आप इस गलत फहमी में हमें नहीं रख सकते कि हमने आपको एडमिशन दे दिया, वजीफा दिया है। हाँ, आपको हम अपनी ज़िंदगी के 3 साल दे रहे हैं और वो 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है। उन 3 साल में हम, मतलब 3 साल हमारे ख़त्म हो गए, बाहर की दुनिया से आप कट जाते हो, अखबार भी नहीं पढ़ पाते हो। तो मैं भी तो आपको 3 साल दे रहा हूँ, तो मेरा राइट बनता है, आप मेरे पर एहसान नहीं कर रहे हो। तो आप मेरे नाम पर कुछ भी घोटा दो, कुछ भी वो करोगे तो मुझे नहीं हो। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक नाटक में जो टाई पहनी थी आर्टिस्ट लोगों ने, हम लोगों ने, रिच क्लास का नाटक था, उसकी एक टाई की कीमत 1800-1900 रुपये थी। मेरा सवाल था 1800-1900 की क्यों है, पब्लिक का पैसा है, 500 रुपये की, 30 रुपये की भी टाई आती है, डिवाइस किस लिए काम आ गई? थिएटर इज जस्ट ए इल्यूजन ऑफ रियलिटी, नॉट रियलिटी। आप रियलिटी के नाम पर इधर उधर कर रहे हो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें थी, तो मैं अड़ जाता था उन चीज़ों पर। फिर जितना लड़ पाया लड़ा, चीज़ें सुधरी भी। दूसरी, सबको रोल को लेके भी होता था। जैसे मेरे क्लासमेट था बदरुल इस्लाम था, उसकी हाइट कम थी, यह एक पवित्र राबा था, वो आसाम से था, उसकी हिंदी ठीक नहीं थी। तो जो डायरेक्टर आ रहे हैं, जो हट्टे कट्टे हमारे हीरो टाइप है, उन्हीं को लीड रोल दे रहे हैं। तो उस बात पे भी लड़ाई की थी कि भैया ये लोग यहाँ पे इक्वल हैं सब, तो आप उनको भी मौका उनको भी दो, हाइट कम है तो क्या वो बनाओ। तो वो लड़ाइयाँ उस तरह की लड़ी बने। फिर आपने छोटी हाइट का किंग लियर भी देखा, पवित्र राबा ने भी क्लियर किंग लियर किया, बदरुल ने भी किया। तो लड़ाइयाँ लड़नी ज़रूरी थी, वो मेरे लिए अपने लिए नहीं, मैं लीड रोल कर रहा था, मुझे अच्छे रोल मिल रहे थे। मैं मतलब इप्टा में रहा तो वो आ गया था, महंगाई के खिलाफ नुक्कड़ नाटक करते करते, भ्रष्टाचार के खिलाफ नुक्कड़, वो तो ब्लड में आ गया था। तो वो ऐसा लगता था कि मतलब सहारनपुर के जिला अधिकारी के खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा था स्कूल में। ये बहुत अच्छा रोचक बात आप बता रहे हैं, और मैं यहीं पर एक सवाल ये करना चाहूँगा कि एक्टिंग के स्किल काफ़ी डेवलप हो रहा था जी जी उनके साथ काम करते हुए जी, क्या सोच के स्तर पर भी कुछ सुधर रहा था या सोच के स्तर पर भी काट छाट चल रही थी? सोच के स्तर पर एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कन्फ्यूज़न आ रहा था। हाँ, क्योंकि आप उससे पहले एक नेचुरल एक्टर हैं, आपका जो अंतरात्मा कैरियर आप वो करते हैं। जब आप एक इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आपको इंट्रोड्यूस हो जाता है स्टैनिस्लावस की, ग्रोटोस की, दोस्तोस की, और पता नहीं दुनिया भर की थेरेपीज, ये कुछ कह रहा है बंदा। मैं स्कूल के दिनों के पहले की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा,
मेरा ये कहना है जैसे आप नाटक से जुड़ गए, रंगमंच से जुड़ गए, उसके पहले आप जिस परिवेश से आते हैं उस परिवार का अपना एक प्रभाव रहता है, ट्रेडिशन का प्रभाव रहता है, मोहल्ले का प्रभाव रहता है, आप जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती में कौन से लोग आपके दोस्त हैं। लेकिन जैसे ही आप नाटक और रंगमंच से जुड़ते हैं तो एक अलग सी दुनिया, एक ऐसे तार से जुड़ जाते हैं जिसके तार बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सोच है, जो सहारनपुर के एक क्या मोहल्ले का नाम हुआ आपका, इंदिरा चौक, इंदिरा चौक मोहल्ले पर जो इनाम बड़े हो रहे थे, मैं इनाम कहता हूँ आपको, चलिए मैं तो आपको इनाम तो वो जो बड़ा हो रहा था इनाम, वो बिल्कुल अलग ढंग से हो रहा होगा शायद, या उसकी अपनी एक जैसे परिवार का दबाव था कि कुछ ऐसा कर लो कि तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाए, जिसमें टाइपिंग जैसी, मतलब मैंने खुद टाइपिंग सीखी हुई है, मेरे भी जिंदगी में ऐसा दौर आया था। हम लोग ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं सिर्फ सिर्फ सवाल करके अपनी बात नहीं, नहीं, मैं उस बात को पकड़ना चाह रहा हूँ कि उत्तर भारत में हम जैसे लोग जो थोड़े बहुत क्रिएटिव थे, उनको किन दबावों से और किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा है, है? और जिसमें आपके मतलब एक जिंदगी उदाहरण बन सकते हैं दूसरों के लिए कि कैसे उनके बीच रहकर बगैर विद्रोह किए हुए जी, बगैर कोई झगड़ा किए हुए, मुझे मतलब वैसे झगड़ा नहीं करना पड़ा, कि परिवार को नाराज करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन परिवार को खुश करके और राजी कर लेना, कहीं ना कहीं ये हुनर भी हासिल किया और यही थिएटर ने दिया भी होगा। तो थिएटर ने आपकी सोच में किस तरह का बदलाव पैदा किए, मैं जो कि आप कह रहे थे ना कि अभी कि वो रगों में आ चुका था, मैं मेरा ये मानना है कि लोग थिएटर को एक्टिंग से ना जोड़े। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे लगता है कि थिएटर सबको जीवन में एक महीने की वर्कशॉप तो करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप 60 लोग किसी भी एक कॉरपोरेट ऑफिस के लीजिए और उनमें से 30 लोगों को एक महीने की थिएटर वर्कशॉप कराइए और 30 लोगों को छोड़ दीजिए, तो एक महीने बाद जब आप 30 लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उनका नज़रिया अलग होगा, और जिन्होंने नहीं करी वो वर्कशॉप उनका नज़रिया अलग होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थिएटर का सिर्फ एक्टिंग से लेना देना है, आपको एक्टर बनना है तो थिएटर आपका सोचने का नज़रिया एज ए ह्यूमन बीइंग आपको बदलता है। तो वही बदलाव मेरे अंदर भी आया, मतलब चाहे वो सामाजिक सरोकार हो या अपना मतलब व्यक्तिगत किसी भी चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो कि भैया नहीं ये चीज़, तो वो देता है थिएटर और बहुत गहराई तक देता है, अंदर तक देता है, तो वो है मेरे अंदर आज भी। और थिएटर मेरे अंदर इतना गहराई तक घुसा हुआ है कि मैं एक पॉइंट के बाद मैंने देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझे अपनी तरफ खींचता है, उसमें वो मैग्नेटिक फोर्स है कि मैं जब देखने भी जाता हूँ कुमुद भाई या कुछ प्ले, बहुत कम प्ले देखे मैंने, तो वो फिर मुझे लगता है कि मुझे भी करना चाहिए। बट रियलिटी ये है कि आई कैन नॉट अफोर्ड डूइंग थिएटर, मेरा घर नहीं चल सकता। ये मैंने तभी महसूस कर लिया था जब ड्रामा स्कूल पास आउट हुआ, क्योंकि अलग ही खेल चल रहा है, ग्रांट का, इसका, उसका, तो मैं मुझे उस खेल में नहीं घुसना था, मुझे किसी को प्लीज नहीं करना था, मुझे किसी की, मुझे चापलूसी आती नहीं है ना मुझे किसी की जी हुजूरी आती है, मैं अपने रास्ते चलना, इसलिए मैंने छोड़ दिया फिर, कि फिर जिस दिन अफोर्ड कर पाऊंगा थिएटर करना उस दिन करूँगा, जिस दिन मेरे नाम पे आएगी ऑडियंस डेफिनेटली करूँगा। थिएटर ने मुझे जो दिया है वो मेरे ऊपर कर्जा है और मैं उसे कर्जा ही मान के चल रहा हूँ और वो कर्जा मैं एक दिन चुकाऊंगा। मेरे शहर का भी कर्जा है, वो ड्रामा स्कूल का भी कर्जा है और थिएटर से जितने भी जुड़ी हुई चीज़ें उन सबका कर्जा है, सही वक्त आने पर चुकाऊंगा। चलिए, तो ये फिर किस दिन फैसला लिया और क्यों फैसला लिया कि अब एनएसडी की पढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, अब मुझे भी जाना है, कि ये कुछ लोग थे जी या ऐसे अवसर दिख रहे थे या क्या बात थी जो मुंबई ले आई आपको? मुंबई मतलब इस एक्टिंग से जुड़ा हुआ तो कोई भी आदमी, मतलब वैसे तो अगर मैं बोलूँ कि हिंदुस्तान का हर दूसरा आदमी एक्टर बनना चाहता है, बिल्कुल, और वो अपने अपने आप में हीरो है और वो अपने आप में उसको अचीव करना चाहता है, लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि अपनी सच्चाई को, अपनी उसको पहचाने, अपने काबिलियत को, आपके मतलब कितनी गलत फहमियों में है, कितनी खुश फहमियों में है, वो सारी चीज़ें सेल्फ एनालिसिस से आती है। तो बहुत सारे उदाहरण बनते हैं, जैसे अभी मनोज जी लाइव थे, जब हम देखते हैं पर्दे पर तो ये समझ में आता है कि यार ये भी तो यहीं से निकल के गए हैं, इन्हीं गलियों से, मंडिया उससे या दूसरे, तो वो ऐसे या नवाज़ भाई अब काफ़ी अच्छा नाम हो गया है, या नसीब सर हमारे टीचर भी रहे या दूसरे लोग, तो वो एक इंस्पिरेशन वैसा मिलता है कि इम्पॉसिबल नहीं है, करना चाहिए, वरना अगर ये सब नहीं होते तो शायद बहुत सारे लोग वहीं बैठ जाते कि यार नहीं नहीं फिल्म नगरी तो सिर्फ मुंबई वालों के लिए है और वहीं लोग पैदा होते हैं, वहीं एक्टिंग करते हैं और वहीं वहीं का वहीं चलता है। लेकिन इन लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ अपने हिसाब से लड़ी,
हम जैसे लोगों के लिए उदाहरण पेश किए, अब मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ तो हो सकता है मैं दूसरे लोगों के लिए उदाहरण या इंस्पिरेशन बनूँ, वो मेरा सौभाग्य होगा। तो जब ये सब देखा तो ये तो दिमाग में आ गया था कि मुश्किल नहीं है, मतलब नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा तो लगता है, और जब आप गरीब घर में पैदा हों या अमीर घर में पैदा हों, ये आपके हाथ में नहीं होता। जी जी, ये आपकी डेस्टिनी है जो आपके साथ जुड़ी है। आप या तो उसे सर उसको लेकर रो लो कि मैं तो गरीब घर में पैदा हो गया, या आप उसे बदल लो। जी जी, तो दो ही रास्ते हैं। तो सीधा सीधा इसका कहने का मतलब ये है कि आप किनारे पे बैठे हैं, आपको तैरना आता नहीं है और इधर भी पानी आ रहा है, तो या तो आप कूद पड़ो, हाथ पैर मारो, छटपटाओ और उस किनारे पहुँचो, या आप बैठे रहो, शायद इधर वाला पानी आपको लपेटे में लेकर निकल जाए। तो मुद्दा ये है कि ट्राई एंड ट्राई, यू कैन विन, अदरवाइज हारे हुए तो आप बैठे ही। तो यहाँ आने पे कौन लोग थे जो कहने की पहली बार जिन्होंने उंगली थामी आपके? और मेरा दोस्त सामने आया संदीप महाजन, जो मुंबई में रहता था। हम लोग जब मैं एनएसडी में था तो टीआई कंपनी में था, तो मुझसे पहले मुंबई आ गया था और काफ़ी टाइम से कहता आ जाओ। ये वही सारा ये दिल्ली से था। दिल्ली से मेरा मतलब एनएसडी का एक थिएटर एजुकेशन नाम की एक जगह है, बच्चों को थिएटर सिखाती, उसमें ये एक्टर था और जॉब भी करता था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वहीं दिल्ली में दोस्त बना था। तो वो कह रहा था भाई आजा, मैंने अम्बोली में हम लोगों ने ले लिया है फ्लैट, तो जब भी आएगा। मैं उसको बोलता था यार किराया नहीं है मेरे पास, वो बोलता था कोई नहीं, जब तक काम नहीं मिलेगा तो रहना, तुझसे कोई किराया। वो था एक, दूसरा था नितिन गुप्ता, उसने टिकट करा दिया था, साथ में रहते थे हम, आशु अस्थाना, ये तीन लोग हम और जीतू, चार लोग अम्बोली में रहते थे। उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट था, कहाँ जा रहे हो, मैं जा रहे ऑडिशन के सर, तो जैसा वो रहता है। उसके अलावा भी बहुत, जैसे सहारनपुर का एक दोस्त है सुमन तो रहे अभी, उसमें फीवर FM में क्रिएटिव है। तो जब आ गया था, अच्छा मेरी कमाई भी ऐसे हुई, पहले महीने मेरी फिल्म जो मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो NDTV प्रॉफिट पर टेलीकास्ट हुई, तो उन्होंने मुझे टोकन अमाउंट के तौर पर 5,000 रुपये दी। ये पहले महीने की कमाई थी। दूसरे महीने मैंने सुमन को फ़ोन किया यार कुछ काम चाहिए, तो वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता है, उसने बोला यार मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, सीमेंस की नेशनल कॉन्फ्रेंस है रेनेसा होटल में, तो मेरे पास एक घंटे का स्लॉट है, मैं उसमें नाच गाना नहीं कराता, एक सोलो परफॉर्मेंस कर दे। तो मैंने हरिशंकर परसाई की अच्छा एक सोलो परफॉर्मेंस अपने हिसाब से रीराइट करी उसको, और इनको सबको लगा दिया काम पे के देखो भाई तुमको पैसे नहीं दे सकता लेकिन 5-स्टार का खाना खिलाऊंगा, सबको साथ लेके जाऊंगा। तो पहली बार सब जा रहे थे 5-स्टार का खाना खाने, तो सब लग गए, एक ने लाइटिंग कर दी, एक ने ये कर दिया, सेट डिज़ाइन कर दिया, ऐसे करके 20-25 दिन मैंने रिहर्सल करी और वहाँ वो परफॉर्म किया। तो उससे मुझे सुमन ने 10,000 रुपये दिए, तो पहली कमाई 5,000 हुई, फिर दूसरी कमाई 10,000 हुई। फिर मैंने पंकज पराशर जी को ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वहाँ मेरी सैलरी थी 15,000, तो 5,000, 10,000, 15,000, फिर ऐसे 0-0 बढ़ते चले गए। और तो ये पांच का पहाड़ा काम आया, पांच का पहाड़ा काम आया। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है भैया। एक बहुत रोचक बात आप कह गए कि स्ट्रीट थिएटर भी किया आपने जी, और 5-स्टार में भी थिएटर किया। जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत कमाल, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मैं कहता हूँ कि रिच होना पैसे से नहीं होता, रिच होना अनुभव से होता। मैं मतलब जब मैं बर्लिन में मेरी फिल्म सेलेक्ट हुई थी और मैं वहाँ होटल के 5-स्टार होटल के उस बाथ टब में लेटा हुआ था, तो मेरे जहन में चल रहा था जब मैं अपने कॉलेज के वो कीचड़ वाले पानी में तैर रहा होता था, क्योंकि मैं वो कीचड़ वाले पानी में भी नहाया हूँ, मेंढकियाँ भी पकड़ी हैं, और उस 5-स्टार होटल के सोना वाले गर्म उसमें भी। तो ये अनुभव मतलब एक मतलब मुझे कैसे शब्दों में कहूँ कि आपको एनरिच अंदर से होना होता, पैसे से नहीं। मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता, पता नहीं मुझे शब्द नहीं मिल रहे, भावनाएं मेरी शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो वो जर्नी एक छोटे से गांव से होते होते और वो बर्लिन के 5-7 स्टार होटल तक, तो बहुत सारे अनुभव आते चले गए, तो वो आपको रिच करती है, पैसा नहीं करता। इसीलिए मैं कभी भी अमीर होने का पैरामीटर पैसा नहीं, मैं बहुत रिच हूँ, मैंने जिंदगी के इतने अनुभव कर लिए हैं, जर्नी जो भी जर्नी। नहीं, ये तो आप जैसे तमाम एक्टर जो लोग हम जो छोटे शहरों से आए हैं, कस्बों से आए हैं जी, उनके साथ अनुभव के मामले में तो बम्बई के स्टार सन्स जो हैं और डॉटर्स मुकाबला ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो फिल्में देख करके हैं। स्लीपर ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के जर्नी करना दिल्ली से मुंबई की, वो भी एक अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने किसी ने किया। और इनको करने की आए तो मतलब जिसको सीधे शब्दों में कहे फटके हाथ में आ जाएगी। बिल्कुल, वो अपने आप में एक हम लोग चुके ऐसे मीडियम पे हैं जहाँ ऐसी भाषा, अगर
मैंने आया तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में बैठा हूँ, बीवी बच्चे हैं, इसलिए मैं भाषा थोड़ी अवॉइड करूँगा, नहीं तो जी नहीं, ये तो आम आम भाषा है, इसलिए चलिए हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। नहीं नहीं, आप घंटा उंटा तो सेंसर नहीं है, घंटा उंटा तो बोल ही सकते हैं। घंटा उंटा तो बोलते हैं, घंटा तो वैसे भी गाली नहीं। नहीं नहीं, अभी मेरी लखनऊ फिल्म में लखनऊ सेंट्रल में घंटा वर्ड, सिर्फ एक वर्ड एडिट करने के लिए मेरे 3 घंटे बर्बाद हुए। सेंसर से फरमान आ गया कि घंटा वर्ड को बदलो, तो मुझे उसे ठेंगा करने जाना था, उस दिन विसर्जन था, तो मैं मतलब 1 घंटा तो जाने का लगा, एक वर्ड डब किया घंटा, उसको ठेंगा किया और 2 घंटे मुझे वापस आने के लगे, तो 3 घंटे एक शब्द घंटा आने में, घंटा शब्द ने 3 घंटे समय कितने घंटे कितने घंटे। तो चलिए ये सेंसर का कमाल है, सेंसर का कमाल है। तो यहाँ जैसे पहला अवसर जो फिल्मों का था जी, वो कौन सा था? फिराक, जो कि भाई हमारे परिचित हैं, मतलब वो जानते थे कि वो ड्रामे दिल्ली से जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जब ये कास्टिंग डायरेक्टर का दौर जो अभी आया है जी, जी। इसके पहले के बहुत हैं, पहले, बहुत सीनियर हैं और उन्होंने बहुत सीनियर, बहुत अच्छा काम भी अच्छा किया है पहले, उनका नाम आज के तमाम सो कॉल्ड बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जैसा ना हो, वो मतलब अपना काम नहीं, इन पहलुओं को भी थोड़ा बताते जाए, जैसे इन लोगों का जो रोल रहा है, जिस तरीके से इन लोगों ने लोगों को पहले टैप किया टैलेंट्स को और टैप करके यहाँ के लोगों के बीच में पहुँचाया है, और इनका कोई गुणगान नहीं होता है, ये सारे अनसंग हीरो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो क्योंकि जैसे वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि मतलब बहुत लोग शॉर्टकट करके इधर उधर के जोड़ जोड़ करके ऊपर तो पहुँच जाते हैं, लेकिन वो मजबूती नहीं रहती। जोगी भाई ने जब मुझे बुलाया, उनको मालूम था कि मैं अभी एक्टिंग कर भी नहीं रहा हूँ, उनको पता था कि मैं राइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन उनको ये भी पता था कि दिल्ली में रहते हुए उन्होंने मुझे एज एन एक्टर देखा है, उनके पास एक फिल्म आई है जिसको उन्हें कास्ट करनी है, और इसमें इनाम उल्लाह की ये रोल में फिट है और ये अच्छा कर सकता है और वो काबिल एक्टर है, जबकि उन्हें मालूम है कि उसने एक्टिंग छोड़ रखी है और राइटिंग करता है कहीं। तो उनका मुझे फ़ोन आया, मैं सहारनपुर में था, कि यार इनाम मुझे पता है तू तो राइटिंग वाइटिंग में लगा, लेकिन एक रोल है तेरे मतलब का करेगा क्या तेरे टाइप का? मैंने कहा कर लूँगा, लेकिन मैं तो सहारनपुर में हूँ, बोले जब बम्बई आएगा तो मुझसे मिलना। तो मैं आया, एक 15-20 दिन बाद तो उनसे मिला, तो उन्होंने बोला कि नंदिता एक फिल्म बना रही, जाके उससे मिल ले। मैं मिला तो ऑडिशन जैसा कुछ नहीं हुआ, एक्सरसाइज जैसी कुछ हुई थी, जिसमें नंदिता ने खुद को एक्टर प्ले किया था, तो वो इतनी अच्छी हुई। फिर नंदिता ने मुझे 2 रोल ऑफर किए कि एक तो ये है मुन्ना का कैरेक्टर और एक गूंगे का है, तो मेरे कान खड़े हो गए, और गूंगे वाले में तो डायलॉग नहीं होंगे। तो मैंने दूसरा, तो मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैंने वो किया, एक छोटा सा एक्सरसाइज, और उन्होंने मुझे मुंह मांगे 2 रोल दे दिए कि इसमें से ये कर ले या ये कर ले। तो गूंगे वाले मैंने इस लालच में नहीं किया कि डायलॉग नहीं बोलने को मिले, जबकि मैंने फिल्म जब देखी गूंगे का 1-2 ही सीन थे, लेकिन वो कमाल का कैरेक्टर था। तब मुझे समझ में आया, आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है, तब ये समझ में आया कि बोलना ही एक्टिंग नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें आप धीरे 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 अपने अनुभव से सीखते हैं। तो फिराक पहली फिल्म बनी, वो हुई, फिर उसके बाद मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा राइटिंग के, क्योंकि मुझसे वो मेरे बस का नहीं था, जाके ऑडिशन और वो सब मैंने कभी नहीं किया। मैं क्यों, अनाथ ही अपनी या कुछ नहीं? नहीं नहीं सर, मेरे सामने टारगेट थे, मुझे मतलब बहुत पैसे नहीं कमाने थे, लेकिन इतने पैसे कमाने थे कि मैं अपना सहारनपुर वाला घर रेनोवेट कर सकूं, अपनी शादी कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है सही चीज़ें सही टाइम पे होनी ज़रूरी है, शादी सही टाइम पे हो जाए, बच्चा सही टाइम पे, सब चीज़ें थैंक गॉड सब चीज़ें सही टाइम पे हो गई। तो वो मैं कर रहा था, मैं दो साल का करके सोचा था कि कॉमेडी सर्कस दो साल करूँगा, फिर वो 2.5 साल तक खींचा, और 2.5 साल जब मैंने छोड़ा तब मेरी अच्छी खासी इनकम थी, अगर मैं उसे कंटिन्यू करता होता तो फिर मैं अलग रास्ते पे भटक गया होता, फिर मैं पैसे वाले रास्ते पे भटक गया होता। तो तब मैंने वो छोड़ दी, फिर फिल्म राइटिंग की तरफ घुसा के चलो कुछ और करता हूँ। तो एक स्क्रिप्ट लिखी थी उसके लिए, फिर वो एक अलग कहानी है कि आप स्क्रिप्ट लिख लेते हो फिर यहाँ बोलते हो, मतलब यहाँ बहुत आपने सुना होगा कि राइटर्स की कमी है, बड़े बड़े मेकर्स से ऐसा बोलते हैं, राइटर्स की कोई कमी नहीं है सर, आप मैं यकीन मानिए मैं उसी क्राउड से आया हूँ जहाँ झोले में बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत स्क्रिप्ट हैं, ये घूम रहे लोग, आप उन्हें मौका नहीं देते। आपके रिसेप्शन से मुझे कितने जगह रिसेप्शन से भगा दिया गया, मतलब आपने अपने चारों तरफ ये सारे रिजेक्शन याद रहते हैं ना आपको, या रखते हैं कहीं कागज? मुझे लगता है याद रखने चाहिए, ताकि आप उस जब वक्त आए उनके माध्यम से आप बदलाव की मांग कर सको। जैसे मैं अभी बदलाव की मांग ये कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे वेब पोर्टल एक्टिंग के प्लेटफॉर्म, पोस्ट वीडियोस और ऑडिशन जमा कीजिए, तो उन्हीं एक्सपीरियंस से मेरी एक मांग निकल के आती है कि क्या ऐसा एक पोर्टल नहीं हो सकता जहाँ आप अपनी स्क्रिप्ट जमा करें और वो सेफ़ रहे, फिल्म मेकर उस पोर्टल पर जाएँ
लॉगिन जो भी डाले उसकी सिक्योरिटी कर, स्क्रिप्ट पढ़े, स्क्रिप्ट पसंद आई तो राइटर से संपर्क करें, ऐसा संभव है अगर किया जा सके। मतलब हम बहुत सेफली हम पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो हम बहुत सेफली एक स्क्रिप्ट भी सही जगह तक पहुंचाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जहन में उसी अनुभव से आई हैं कि मेरे मैं घूमा ऑफिस ऑफिस, बहुत सारे और घूम रहे होंगे क्योंकि अब मुझे लगता है कि तो उसी अनुभव से समझिए कि ऐसा एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ स्क्रिप्ट पहुँच सके। दूसरी बात, हमारे यहाँ राइटर को लेके जो है लीस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन माना गया, सबसे कम पेमेंट उसको मिलता है, सबसे कम वैल्यू उसको मिलती है, जबकि धुरी वही है जिसके ऊपर ये दुनिया घूम रही है, बुनियाद वही है जिस पे बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन उसको कोई तवज्जो देना नहीं चाहता और ये दुर्भाग्य है। तो मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ, मैं राइटर रह चुका हूँ, वो जर्नी करके आया हूँ और हम जिस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं देख रहे हैं और जो जर्नी करके आए हैं, तो हम सब ये समझ पा रहे हैं कि जो भी आज हम जिसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो अच्छी राइटिंग की वजह से ही बजा रहे हैं। और अच्छी राइटिंग किसी फॉर्मूला में डाल के मिक्सर ग्राइंडर में डाल के स्क्रिप्ट नहीं आई, एक अच्छे राइटर ने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, तो हमें उसकी कदर करनी होगी जो कि नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एक सोच ने खा लिया राइटर का, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय का क्रेडिट लेने के चक्कर। मतलब हर आदमी को लगता है कि यार मैं ही लिखूं और मैं ही डायरेक्ट करूं। आप करिए डायरेक्ट, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे राइटर भी हो। या तो आप, मेरा मानना है कि आप एक ही चीज़ बेस्ट होते हो, या तो आप बहुत अच्छे राइटर हो या तो बहुत, वो रेयर केसेस हैं, अपने आप ही हैं हिरानी जी या दूसरे और मेकर्स हैं जो अच्छा लिखते भी अच्छा बनाते भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं हो सकते, लेकिन उनका परसेंटेज कम है। उनकी देखा देखी आप भी मत घुस जाइए, अच्छे राइटर को स्पेस दीजिए, रिटन बाय हिम एंड डायरेक्टेड बाय यू, अच्छा सिनेमा बनेगा। और ऐसा ही हो रहा है, आप कोई भी अच्छी फिल्म उठा के देख लीजिए, बहुत कम ऐसे होंगे जो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सेम पर्सन हो, रिटन बाय समवन एल्स, और एक भी नहीं दो तीन, हॉलीवुड में तीन तीन लोग लिखते हैं, दो दो तीन तीन लिखते हैं और उनको उनसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दरअसल ये जो बात आप कह रहे हैं ना, उसके एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि पहले के डायरेक्टर के पास राइटर्स की टीम हुआ करती थी, चाहे चोपड़ा साहब थे, चाहे राज कपूर जी थे, महबूब थे, के आसिफ थे, ये सारे लोग राइटर्स के, बिमल राय थे, राइटर्स की टीम इनके पास रहती थी जिसमें बड़े बड़े लोग, जो आज के बड़े राइटर हैं, बड़े नाम हैं, वो सारे लोग टीम के तौर पर काम करते थे। और तब शायद क्रेडिट लेने का ऐसा झगड़ा भी नहीं था जो आज की तरह हो गया ना कि किसी ने एक लाइन सजेस्ट किया और राइटर में क्रेडिट ले लिया अपना, या गाने की दो शब्द बताएं ये बदल दो और गाने का क्रेडिट ले लिया। राज कपूर पूरा 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 गीत लगभग बना देते थे, म्यूजिक बना देते थे, और फिर शंकर जी किशन को कहते थे भैया ये कुछ ऐसा ट्यून तैयार कर दो। कभी ऐसा नहीं है कि म्यूजिक बाय शंकर जय किशन एंड राज कपूर, ऐसा कभी नहीं आया। ना बी आर चोपड़ा ने कभी क्रेडिट लिया कि भाई राइटर मैं भी हूँ। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता था कि राइटर होने की वजह से जी जब आप लेखक और कलाकार दोनों एक साथ हैं जी, शब्दों में खुद को कह पाना और सोच को ढाल पाना शब्दों में जी, वो एक अलग मतलब कमाल है जो बहुत रेयर लोगों को होता है। लेकिन वो होने की वजह से आपके कलाकार को कितना फायदा मिला है राइटर होने की वजह से? राइटर होने की वजह से मैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा राइटर होने की वजह से ज्यादा रीडर होने की वजह से मिलता है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, राइटर होने के बजाय रीडर होने की वजह से बहुत ज्यादा। आप अच्छे रीडर हैं तो ही आप अच्छे राइटर बनते हैं, आप अच्छे रीडर हैं तो ही आप अच्छे एक्टर बनते हैं, आप अच्छे रीडर हैं तो ही आप अच्छे इंसान बनते हैं। मतलब तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एज एन एक्टर जो भी आया है वो पढ़ने की वजह से आया। वो आप कैमरा घुमाइए और थोड़ा सा मेरी जो किताबें वो किताबें रखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब सारी पढ़ ली, लेकिन पढ़ना चाहता हूँ जी, इसलिए जहाँ मिलती हैं खरीद के ला के रख देता हूँ। पहले पढ़ता था, अभी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों में बट गई है, फेसबुक लाइक को भी टाइम देना है, अभी हम दे रहे हैं, फेसबुक मैसेजेस को भी टाइम देना है, बहुत सारे फैन लोग वो लिखते हैं उनको भी टाइम देना है, और आपको ये भी काम करना है कि यहाँ पे जितने सवाल आए हैं उनको भी जवाब देना, उनको बाद में जवाब देना है, क्योंकि मैं सारे सवाल ले नहीं रहा हूँ जी जी। हाँ, कुछ एक सवाल मैंने नोट किए हैं जो मैं पूछ लूंगा आपसे, लेकिन बेहतर होगा कि जब भी आपको मौका मिले एक एक करके जवाब दे दीजिए। एक सवाल आया था, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा जिसका मैंने रिटर्न में भी जवाब दिया। बहरहाल मैं ये वाली बात पूरी करता हूँ कि उस
अभी हम मतलब इतना बढ़ गए हैं सोशल मीडिया में और बहुत सारी चीज़ों में कि पढ़ने से दूर हो गए। हाँ बिल्कुल। तो जो आपका सवाल है कि एज ए राइटर मुझे कितना हेल्प किया एज एन एक्टर, उससे उसका जवाब यह है कि एज ए राइटर से पहले एज ए रीडर मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैं 10वीं 12वीं क्लास के दौरान ही मैंने मंटो पढ़ लिया था पूरा, और मेरे फेवरेट राइटर तभी मतलब ये स्ट्रीट थिएटर से जैसे वो मैक्सिम गोर्की मेरे, वो मैंने तभी मतलब जो भी मिलता था मैं पढ़ लेता था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। और शुरुआत हुई थी वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेलों से। बिल्कुल। वो एक पढ़ा मैंने, उसके बाद चस्का लग गया, उसके बाद खाना ठंडा रखा है, माँ बोल रही है खा ले, और मैं एक पढ़ 365 पेज का नॉवेल था वर्दी वाला गुंडा, मैंने एक दिन में पढ़ डाला था, उतना ज़बरदस्त चस्का लग गया था मुझे। तो फिर वो जब देखा कि ये वाला हो गया ख़त्म, अब दूसरा क्या, तो जाता था सहारनपुर रोडवेज बस अड्डे के पास किताबों की दुकानें हैं, तो ये के अलावा फिर मैंने देखा रही है तो ये भी रखा है, मंटो भी रखा है, या ये भी रखा है, तो वो पढ़ना शुरू किया। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उस उम्र में ही वो पढ़ने का मौका मिल गया था। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ें किताबें। एक कहानी रोज़ मैं नहीं पढ़ पाता, ये अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो मैं अपने आप को याद दिला रहा हूँ। मैं जब भी किसी को ये बात कहता हूँ तो मैं अपने लिए कहता हूँ ताकि मैं वापस खुद को थप्पड़ मार सकूँ, वो जो ला के ख़रीद के रखी हैं उनको ले के बैठ जाऊँ और पढ़ूँ। क्योंकि आप एक ज़िंदगी जीते हैं अपनी वाली, किताब के माध्यम से आप उस लेखक की ज़िंदगी भी जी लेते हैं और उसने दूसरी ज़िंदगियों को जो उसमें समाहित किया है वो भी ज़िंदगी जी। मेरा मानना है कि पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जन्म है, इसी में जितना जी सकते हो जी लो। तो चलते चलते ये बताया आपका प्रिय लेखक कौन है? मेरे प्रिय लेखक मैक्सिम गोर्की, रशियन राइटर है, और उसके पीछे कारण ये है कि मैं जिस परिवेश से आया हूँ कैलाशपुर में, जिस तरह का माहौल था, और मेरा बचपन जो मैंने पहला उनका नावल पढ़ा था माई चाइल्डहुड, तो वो मुझे उस हद तक रिलेट, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है रिलेटेबिलिटी। आज हम मतलब यही बात करते हैं ना कि हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो ये सिनेमा अच्छा, नहीं कर पा रहे तो नहीं। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया था उस परिवेश से। जैसे एक सेंटेंस में लिखा है कि दो सड़क गली के दोनों तरफ कीचड़ ही कीचड़, और गली के बीचों बीच से नाली गुजरती हुई जा रही है जिसमें काई और मेंढक तैरते हुए जा रहे हैं। तो वो मैं उनसे गुजरा हूँ, जब मैं उसे पढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, वो सारे चित्र आ रहे हैं तो वहाँ से, और कितना खूबसूरत उन्होंने लिखा है बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक मेरे प्रिय लेखक हैं। बाकी सब अच्छे लेखक हैं, मंटो और दूसरे जितने भी हैं। अभी हाल ही में मैंने जैदी साहब की किताब पढ़ी है रोशनदान, बहुत कमाल का लिखा है उन्होंने, मतलब मैं अब मेरे फेवरेट राइटर वो भी हुए। तो क्या नाम है उनका पूरा? मैं राइटर का जी जी मैं निकाल के रहा हूँ जी। सॉरी सॉरी सॉरी, रोशनदान जावेद सिद्दीकी साहब। अच्छा जावेद सिद्दीकी, ये किताब है। हाँ हाँ, ये वाली किताब है। तो अभी रिसेंटली मैंने ये पढ़ी, कमाल का इनका किताब को फिर से एक बार दिखा दे। ये किताब मैंने पढ़ी और इसमें खाके हैं, कैरेक्टर स्केच हैं और सच्चे हैं जो बॉलीवुड से हमारे, जैसे मैं इसमें एक वो पढ़ रहा था अपना एक कौन भूल गया, एनीवेज नाम भूल जाता हूँ ऐसे टाइम पे। तो खाके हैं, कैरेक्टर स्केचेस हैं रियल लाइफ वाले लोगों के, लेकिन इतने खूबसूरती से लिखे। तो अब मेरे फेवरेट राइटर ये हो गए। तो आप जैसे जैसे नए नए चीज़ों से परिचित होते जाते हैं आपकी फेवरेट बदलती जाती है। मुझे लगता है 10 साल पहले फेवरेट फिल्म कोई और थी, बिल्कुल बिल्कुल, 20 साल पहले कोई और थी, फिर रंग दे बसंती आ गई वो हो गई, अब शायद ये आ गई वो हो गई, तो बदलता रहता है फेवरेट। फिल्मों के सफर पर थोड़ा बात करें, क्योंकि लोग वो जानना चाहते हैं आपके पॉपुलर जो किरदार रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, और शायद एक सवाल, शायद वही सवाल आपने जवाब। हाँ, एक सवाल बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग आया था कि फिल्मिस्तान के आफ्ताब, एयरलिफ्ट के मेजर खलफ बिन जैद, जॉली एलएलबी के इकबाल कादरी, और लखनऊ सेंट्रल के दिक्कत अंसारी, ये सारे मुस्लिम ही क्यों हैं, मुस्लिम चरित्र क्यों? तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं इसमें लाइव में भी इसको शामिल इसलिए कर रहा हूँ कि मुस्लिम और चरित्र दो अलग अलग। वो विनोद अनुपम हमारे पुराने दोस्त हैं, अच्छा, बिहार के हैं जी जी, और पटना में रहते हैं और बहुत ही उम्दा लिखते हैं फिल्मों के ऊपर जी जी, इसलिए मैंने वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने उसका जवाब भी इंटरेस्टिंग दिया और देना चाहता हूँ कि मुस्लिम और चरित्र दो अलग अलग शब्द हैं। मुस्लिम एक धर्म से ताल्लुक रखता है, जो शब्द मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, और चरित्र एक व्यक्तित्व से ताल्लुक रखता है। तो किसी भी धर्म में किसी भी तरह के व्यक्तित्व हो सकते हैं। ये मेरी बीवी ने भी पूछा था ये सवाल कि सारे टाइपकास्ट तो नहीं हो जाएगा। मैंने बोला कि टाइपकास्ट जब मैं तब हो जाऊंगा जब वो एयरलिफ्ट के बाद सब लोग वर्दी लेके मेरे घर में आ गए थे, फिर उनका नाम मेजर अजय चौहान हो या मेजर कुछ, और रोज वर्दी पहनूंगा तो उनके सिर्फ नाम है, वो
अपने क्रियाकलापों से, अपनी किसी भी गतिविधि से मुस्लिम नहीं है। सारे करेक्टर वो ना टोपी पहनते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना जो भी है, उनके सिर्फ नाम है, वो चरित्र है। चरित्र जब हम बात करते हैं कैरेक्टर की, एक कैरेक्टर है आफ्ताब, वो पाकिस्तानी पायरेटेड डीवीडी बेचता है, उसमें बल्कि पोर्नोग्राफिक डीवीडी भी बेचता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है जो धर्म जो हम बोलते हैं उसके अगेंस्ट भी है। तो वो एक चरित्र है। मेजर खलब बिन जैद का अपना एक अपने इंटेंशन है, रिश्वत लेना चाहता है या जो भी, अपना एक धर्म के खिलाफ एक काम करके बैठा है, कब्जा करके बैठा है, वो तो नहीं। तो धर्म से उन चरित्रों का लेना देना नहीं है, उनके सिर्फ नाम है। आप नाम बदल दीजिए, जैसे मैंने लिखा भी उसमें टिल्लू, पप्पू, बंटी और टिंकू, कुछ भी नाम रख दीजिए, वो चरित्र चरित्र रहेंगे। ये क्या कहीं बैक ऑफ द माइंड में जो लोग आपको कास्ट कर रहे हैं उनके दिमाग में कहीं से भी ये बात तो नहीं है ना? वो पूछने पर पता चलेगा उनसे भी कि इस इंसान का चेहरा, इस एक्टर का चेहरा मुसलमान कैरेक्टर में फिट हो जाता है। अपने यहाँ जो क्लिशे बने हुए हैं, जी जी, एक पंडित बनाना है फलाने को साइन कर लो, एक मुस्लिम कैरेक्टर देना है उसको साइन कर लो, एक भीख मांगने वाले को बनाना है, एक पुलिस ऑफिसर बनाना है, पुलिस ऑफिसर में चार लोग हैं उनको बना दो पुलिस। अब हालांकि ये चीजें टूट चुकी हैं। जी जी। दूसरी बात, मैं आपके समर्थन में कहना चाहता हूँ, इस बात को बीच में काट के बोल रहा हूँ कि ये क्लिशे ब्रेक ही है। हाँ, बेसिकली आप अगर देखेंगे, अब से पहले जब भी मुस्लिम का कैरेक्टर फिल्म में आता था, एक साफा लगा के और एक दाढ़ी और एक नमाज का टीका जो पढ़ेंगे, वो एक जालीदार लुंगी, जालीदार लुंगी और जालीदार बनियान, तो वो एक क्लिशे था। अगर आप, फिर वो हीरो के लिए कुर्बान हो जाएगा। तो अगर आप यही देखें मेरे ये कैरेक्टर, तो एक क्लिशे ब्रेक करते हैं कि मुस्लिम आफ्ताब जैसा भी होता है, मुस्लिम खलब बिन जैद जैसा भी होता है, मुस्लिम एक साधु बाबा के भेष में भी है और मुस्लिम। तो मुझे लगता है हमें उसको धर्म से ना जोड़ के एक चरित्र की गहराई को समझना चाहिए कि एक चरित्र है, मेरा काम है एक उस चरित्र को जीना। और एक मुझे लगता है इवन कि कई बार ये बहुत खूबी भी है, क्योंकि अगर आप उस परिवेश से आते हैं, मैं जिस परिवेश से आता हूँ उस परिवेश के किरदार अगर मुझे मिलेंगे तो मैं शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा डिफरेंट आयामों के साथ निभा सकता हूँ उसको, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहा। तो मैं इसको कहीं से गलत नहीं मान रहा, गलत नहीं मानता, लेकिन मेरे साथ जैसा हुआ मैं बताता हूँ। देखिए कि मैं जिस परिवेश से आया हूँ उस परिवेश का मैंने अभी तक एक भी किरदार नहीं किया। अभी खास तौर से दिक्कत अंसारी थोड़ा यूपी वाला था, लेकिन मैं पाकिस्तान कभी नहीं गया तो मुझे रिसर्च करनी पड़ी। मैं इराक कभी नहीं गया, मुझे रिसर्च करनी पड़ी। मुझे, मेरे लिए तो एक नया परिवेश है कि एक इराक का मेजर जो मतलब हिंदी फिल्में देखता है, टूटी फूटी हिंदी बोलता है, कैसे बोलता होगा। तो उस कैरेक्टर के लिए मुझे 2-3 महीने लगाने पड़े उस परिवेश में, अपनी हिंदी को ही भूलना पड़ा। हाँ, वो तो मतलब क्योंकि हिंदी ऑडियंस के लिए फिल्म बन रही थी, इसलिए डायरेक्टर ने वो एक डिवाइस निकाली कि ये कैरेक्टर हिंदी किस बहाने से बोलेगा। तो वो बॉलीवुड का फैन हो गया तो उस बहाने से बोलना। अगर वो एक इंटरनेशनल सिनेमा होता तो शायद आपका बहुत हिट जा रहा है, 100 लोग इस पर रिएक्ट कर चुके हैं। अरे सबको मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए तो अभी तक ऐसा आया ही नहीं कि जो मेरे परिवेश से मिलता जुलता रोल मिले। कि सहारनपुर के एक बंदे का रोल देते हैं इसको, मुझे एक ने कश्मीरी बना दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कश्मीर कभी नहीं गया, मुझे कश्मीरी भाषा सीखनी पड़ी, वो एक्सेंट सीखना पड़ा, डायलेक्ट उसको समझना पड़ा, उसमें मेहनत करी। इराक वाले कैरेक्टर का अरबी सीखनी पड़ी, पाकिस्तान वाले की वो पंजाबी, मुझे पंजाबी नहीं आती, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। तो मुझे तो अभी तक ऐसा किसी ने ये सोच के कास्ट नहीं किया कि ये काम इजीली कर लेगा। ये सोच के मुझे ज़रूर कास्ट किया कि ये अच्छा एक्टर है और ये इस कैरेक्टर को निभा जाएगा। जैसे एयरलिफ्ट के बारे में, एयरलिफ्ट और ये अभी दिक्कत और उस एक लोग आपके तमाम किरदारों के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके प्रोसेस और उसकी तैयारी के बारे में जानना चाह रहे हैं। अलग अलग फिल्म के लिए मेरा अलग अलग, तो जो पॉपुलर किरदार, जब एयरलिफ्ट तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जी जी। तो उसका उसके बारे में, एयरलिफ्ट का, हाँ बहुत पॉपुलर हुआ था, उस बारे में मैंने मतलब हालांकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं पहले उल्टे तरीके से शुरू कर दिया था, अरबी सीखना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि उससे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भी R&D करके ही सीखता हूँ कि कैसे मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। फिर मेरे लिए ये टास्क था कि मैं उस मेंटल स्टेट को समझूं, एक वॉर जोन में आदमी का ज़हनी हालत कैसी होती होगी। तो मुझे वॉर जोन में जाना पड़ेगा, अब मैं वॉर जोन में जाकर सुसाइड तो करूँगा नहीं, तो उसके लिए फिर रेफरेंस ढूँढूँगा, आप किताबें पढ़ेंगे, आप बहुत सारे। तो मैंने इंटरनेट पे अभी, मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इंटरनेट के दौर में अपने आप को मतलब एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो गल्फ वॉर पे रियल थी वो देखी मैंने, लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़े जो भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप गल्फ वॉर 1 टाइप कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे क्लिप्स। तो मैं लगातार पहले शुरुआती दौर में लगातार मैं वो देखे और अपने जहन में
उस दौर को घुसा लिया, तो उस मेंटल स्टेट में पहुंचा कि हाँ वॉर जोन में रहने वाले आदमी उन उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। फिर दूसरा टास्क था कि टेबल के दूसरी तरफ का आदमी, मतलब एक तरफ कुवैत में वो लोग जिन पे अत्याचार हो रहे हैं जब वो वहाँ पे कब्जा जमा लिया, और एक वो लोग जिन्होंने कर लिया है, तो फिर उनके माइंडसेट में जाना। तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में थी, जैसे डेज इन द टाइम ऑफ सद्दाम ऐसा करके था, लास्ट फ्लाइट टू कुवैत, अभी मेरे नाम नहीं याद आ रहे, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में हैं, उन्होंने मुझे बहुत एनरिच किया एक्सपीरियंस के तौर पर, अनुभव के तौर पर। फिर अगला टास्क था लैंग्वेज को समझना मेरे लिए, मतलब ये करेक्टर इतना पॉपुलर हो गया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका वर्ल्ड सिनेमा में कोई रेफरेंस नहीं है कि मैंने वहाँ से उठा लिया या मैंने वहाँ से मार लिया। अभी तक तो मतलब कोई सामने लाया नहीं, अगर सामने लेके आया कि भैया मैंने वहाँ से उठाया ये करेक्टर, तो मैं उसका स्वागत है, आप लाइए। तो अच्छी बात यह है कि करने करने के चक्कर में मैं खुद सीख गया एक चीज़, एक नया प्रोसेस सीख गया। तो ऐसे आप करते करते सीखते जाते हैं, तो फिर वो डायलेक्ट पे, भाषा पे काम करना। फिर दूसरी चीज़ बहुत बड़ा टास्क ये था, मतलब आप इतने बड़े स्टार के साथ पहली बार काम कर रहे हो, मतलब अक्षय कुमार साहब उसमें थे, और फिजिकल अपीयरेंस में वो ऐसा करेक्टर है कि अक्षय साहब एक थप्पड़ मारे तो चार गिर जाएंगे, लेकिन वो पावर है उसके हाथ में, पावरफुल। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट करेक्टर था ये एयरलिफ्ट वाला, क्योंकि उसमें बहुत संभावनाएं थी, वो ज़रा सा फ्लैट हो जाता कॉमेडी हो जाता, और फिल्म के अंदर कॉमेडी की गुंजाइश नहीं थी। फिल्म का इकलौता थ्रेट था ये कैरेक्टर मेजर खलफ में जाए, मतलब पूरी फिल्म की सारी कास्ट एक तरफ, ये बंदा दूसरे खेमे का था। तो मेरे कंधों में बहुत जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर राजा मेनन का कि उन्होंने, मैंने उनसे ही बोला था सर आप, मैं रायता बहुत फैलाता हूँ, आप मुझे कंट्रोल कर लेना, आप मुझे ये बस ये बता के रखना कि कहाँ रुकना है। तो मैं करता रहता था ट्राई, वो बोलते बस इनाम इतना इनाम। तो मैं संदीप नाथ इस बात को मार्क कर रहे हैं और अंडरलाइन कर रहे हैं, संदीप नाथ जी प्रभु प्रणाम, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे सुझाव लेके आ जाते हैं जी, और बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। बिल्कुल, और मैं सुझाव थोपता नहीं हूँ। जैसे मैं इसी कैरेक्टर से रिलेटेड एक सुझाव मैंने डायरेक्टर को दिया कि ये 1990 की घटना है, अभी 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म हिट हुई है, और ये कैरेक्टर हिंदी फिल्मों का दीवाना है, तो इसने डेफिनेटली मैंने प्यार किया भी देखी होगी। तो क्या मैं ये इसको बोल सकता हूँ कि जो उसका डायलॉग था, तो मैंने एक इम्प्रोवाइज किया था, तो करते सी आपका बॉलीवुड कबूतर जा जा जा, पहले प्यार के पहले जिकते साजन को दे आ, तो मैं ऐसा वो कबूतर वाला गाना है, तो मेरे को डायरेक्टर मजबूर जूता मारूंगा कॉमेडी मत कर। तो मुझे समझ में आया कि हाँ नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ मैं अपने तरीके से सही सोच रहा हूँ कि उसने हिंदी फिल्म देखी होगी, मैंने प्यार किया उसने भी देखी होगी, और उसके वो कबूतर जा 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 याद रहेगा, लेकिन डायरेक्टर के लिए अपनी सोच अलग है कि नहीं मेरा इंटेंस सीन है, यहाँ पे नहीं बोल सकता, वहाँ पे कॉमेडी हो जाएगी, एक थ्रेट है, एक बंदे को उठा के लेके आए। तो मैं मान लिया, तो मैं लाता हूँ सजेशन, लेकिन अगर वो फाड़ के फेंक दिया जाए तो मैं उसको बुरा भी नहीं मानता, वो मेरे प्रोसेस का हिस्सा है जी। और एयरलिफ्ट के बाद दूसरा कौन से किस करेक्टर की चर्चा करेंगे? सबसे मतलब मेरे दिल के करीब सबसे ज़्यादा तो फिल्मिस्तान वाला करेक्टर है आफ्ताब, मतलब उस ही करेक्टर ने मुझे एक पहचान दी बॉलीवुड में, वो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। तो मुश्किल उतना नहीं था, वो मुश्किल एयरलिफ्ट वाला था, लेकिन दिल के करीब वो ज़्यादा है क्योंकि वो मेरा पहला करेक्टर है। मेरे फेसबुक मुझे बधाई दे रहा है कि दिस इज़ योर मोस्ट कमेंटेड लाइव वीडियो। अरे थैंक यू सो मच, मुझे भी, मैं भी रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ आपके लिए जी। जी खैर जी सर, तो फिल्मिस्तान वाला कैरेक्टर मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, और उसमें भी वही एक प्रोसेस था, जैसे बहुत सारे सवालों के जवाब, मतलब मैं बहुत सारे एक्टर हैं, मैं किसी को एक्टिंग सिखाने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि स्क्रिप्ट जो होती है आपके हाथ में वो आपके सवालों के जवाब होते हैं, लेकिन ये भी तय है कि उस स्क्रिप्ट के अंदर आपके 20% या 10% सवालों के जवाब ही होते हैं, क्योंकि आप उतने ही देखते हैं जितना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस कैरेक्टर के जो भी हुआ है उसमें जितने सवाल है, तो सवाल कम होते हैं, बाकी सवाल आपको बनाने पड़ते हैं, 80-90% सवाल आपको बनाने पड़ेंगे, उनके जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पास्ट, एक है फ्यूचर। पास्ट में क्या रहा आपकी मेमोरी, या आप ऐसे लोगों से कहाँ मिले हैं, या खोल खोल के आप अपने याददाश्त के खानों से खंगालते हैं, जैसे फिल्मिस्तान का ही करेक्टर
कि मैं बात करूं कि मेरी बीवी का कजिन है पाकिस्तान में रहते हैं, वो एक बार आए हुए थे तो एक ही बार हल्का समय सिर्फ उनसे और जनाब सलाम अलैकुम ऐसा करके उन्होंने मुझे सलाम किया था, तो मैंने कहा ये तो अच्छी सी पोएटिक सी लैंग्वेज है, तो वो रिकॉल वैल्यू से रिकॉल उससे रिकलेक्शन मेमोरी रिकलेक्शन से निकली कि अरे वाह। तो आधे आप मेमोरी से निकालते हैं और जो मेमोरी में नहीं होते, मान लो जरूरी नहीं कि आपने सब तरह का अनुभव किया हो, जरूरी नहीं कि आप सब तरह के आदमियों से मिले हो, तब आप इमेजिन कीजिए वो है आपका फ्यूचर। तो पास्ट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को मिला के आप प्रेजेंट बनाएं। लेकिन ये थिएटर वाले जो आते हैं और एनएसडी वाले हों या कहीं से भी, ये बैक स्टोरी का जो ये बवाल है इनका वो क्यों चलता रहता है? तमाम थिएटर वालों के साथ मैं देख रहा हूँ कि वो एक बैक स्टोरी उनको चाहिए और फिर वो किरदार पर खुद से काम करेंगे। कितना अच्छा है, मुझे लगता है मैं मजाक में नहीं सही ऐसे ही कहूँ कि कितना अच्छा है कि जो हिंदी फिल्मों का एक्टर सेट पे आता है उसको कुछ नहीं मालूम है, बोलो जी क्या करना है, अच्छा आपको हंस के दिखाना है हंस दिया, आपको रो के दिखाना है रो दिया और चला गया घर अपने, फिर उसको न स्क्रिप्ट से मतलब घर जाके कुछ और कर रहा है अपना। ये थिएटर वालों के साथ बीमारी है कि वो एक कैरेक्टर में घुसते हैं तो तब तक घुसे रहते हैं जब तक कि फिल्म पूरी ना हो जाए, और शायद फिल्म खत्म होने के बाद भी लगे रहते हैं उसमें। सर ये बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना है कि हाँ इसमें गलत चीज़ ये है कि आप बैक स्टोरी डायरेक्टर से क्यों मांग रहे हो, डायरेक्टर ने आपको रोल दे दिया आप बैक स्टोरी खुद बनाइए। बैक स्टोरी बहुत जरूरी है, उस कैरेक्टर ने लास्ट टाइम कब थप्पड़ खाया होगा। थिएटर में ऐसी कोई ट्रेनिंग होती है क्या? थिएटर में ऐसा कुछ सिखाया गया? क्योंकि थिएटर वाले ही ये बैक स्टोरी की बात करते हैं। सर इतनी सारी थियोरीज हैं, स्टैनिस्लावस्की कुछ और कह रहा है, ये सब कुछ तो कहीं ना कहीं से आया है ये सब, जैसे स्टैनिस्लावस्की की बहुत सारी किताबें बिल्डिंग ए कैरेक्टर और अंडरस्टैंडिंग, फिर जो तीन किताबें उन्होंने लिखी हुई तो उनमें लिखा हुआ है सब कहीं ना कहीं। मैंने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया, मैं अपनी खुद की थोड़ी बहुत थ्योरी उनको उतना सीरियसली नहीं लिया तो वहाँ से शायद आया है। लेकिन मैं इसमें मेरा कहना यह है कि आप डायरेक्टर से क्यों मांग रहे हो बैक स्टोरी? डायरेक्टर को आप थैंक यू बोलो, उसने आपको स्टोरी दे दी, रोल दे दिया, बैक स्टोरी ढूंढना आपका काम है। हेलो बेटा, कब? ये मेरा बेटा इवान अभी स्कूल से आया और बेटा चलिए आप हेलो कर दीजिए, हाथ हिला दीजिए इधर, मैं भी आपसे बात करता हूँ। तो आपके पास आपको डायरेक्टर ने रोल दे दिया, आप थैंक यू बोलो, उस पर काम करो, बैक स्टोरी अपनी ढूंढो बनाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मेंटल स्टेट को समझने के लिए कि आखिरी बार इस आदमी के थप्पड़ कब पड़ा होगा, भले ही इस चीज़ का स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है, या लास्ट टाइम उसके मतलब एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, जो भी मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, अनगिनत सवाल हैं वो बैक स्टोरी से, कुछ भी सवाल हो सकते हैं, तो वो सवाल आपके माइंड में कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं जब आप प्रेजेंट में प्ले कर रहे होते हैं उसको। तो लेकिन डायरेक्ट मैं फिर वही कहूँगा डायरेक्टर से मांगना गलत है। दूसरी बात जो आपने कही कि सेट पे आए लाओ भैया आज क्या करना है, सर वो सिनेमा हम बहुत देख चुके हैं, ठीक है वो सिनेमा हमने इतना देख लिया है। नहीं मेरा सवाल सरकास्टिक नहीं था, नहीं नहीं मेरा जवाब सरकास्टिक है, मेरा जवाब सरकास्टिक है और मैं उसे सरकास्टिक बना वो कहना चाहूँगा कि आके सेट पे डायलॉग याद करके पढ़ देना ही एक्टिंग नहीं है, माफ़ कीजिए एक्टिंग वो चीज़ है जिसको समझने में आपके रातों की नींद हराम हो जाए, आपके दिनों का चैन ख़राब हो जाए और आप उसको समझ पाएँ और सही से कम्युनिकेट कर पाएँ। मतलब हमको मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं यार एक्टिंग पे मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2 घंटे रोज़ जिम करता हूँ। मतलब कितने बड़े ताज्जुब की बात है कि आप जिम में एक्टिंग पे मेहनत कर रहे हैं, आप जिम में अपने शरीर पे मेहनत कर रहे हैं, अपने फिजिक पे मेहनत कर रहे हैं, एक्टिंग पे मेहनत आप दूसरे तरीके से कीजिए। मतलब मैं उस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जिम में भी एक्टिंग पे मेहनत हो सकती है। एक्टिंग पे मेहनत जैसे मैंने बोला, अगर आप एक कहानी ही रोज़ पढ़ रहे हैं वो एक्टिंग पे मेहनत होगी। आपको क्या लगता है आप सिर्फ एक कहानी पढ़ के भूल गए? जब वो रिलेट कर, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मैंने काशी कास्ती अभी नहीं पढ़ी, अभी मुझे एक फिल्म करनी है जिसमें मुझे बनारस का एक्टर, अब मेरे यहाँ से काशी कास्ती किताब कोई उठा के ले गया अब वक्त आया है कि मैं उस किताब को पढ़ूँ और देखूँ बनारस के बारे में, तो बनारस के बारे में जितने भी किताबें मैं अब पढ़ूँगा वो मेरी एक्टिंग पे मेहनत होगी ना, वो मैं जिम में जाके बनारस नहीं समझ सकता ना। नहीं लेकिन उसके लिए कितना आसान सा तरीका है कि 2 फिल्में डाउनलोड कीजिए और बनारस पर देख लीजिए, बनारस का वीडियो देख लीजिए, सर काम खत्म। मैं इसमें आप किताब पढ़ने के चक्कर में 4 घंटे किताब पढ़ेंगे, इसमें भी मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 10 मिनट का वीडियो अवेलेबल है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दूंगा। जब हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं वो किसी और का नजरिया है, बनारस के एक घाट का या किसी भी एक चीज़ का वर्णन उस कैमरा उस फ्रेम में आप देख रहे हैं वो उसको कैप्चर करने वाले का नजरिया है। हो सकता है ज़रा सा टिल्ट कर दे वहाँ बाजू में जो
एक बच्चा आपके सीनियर दीपक काजीर आ गए हैं, देखते हैं। मेरा नमस्कार सर दीपक साहब को। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, बहुत ही जरूरी बात है कि जिसने वो फ्रेम शूट किया है उसने अपने नजरिए से किया है। जरा सा पैन कर दे तो हो सकता है वहां जो बच्चा बैठा हुआ नंगा चवन्निया गिन रहा है उसको उसने फोकस ही नहीं किया, जबकि जब मैं पढ़ रहा हूँ उसमें वर्णन सबका है, उस चवन्नी गिनते हुए नंगे बच्चे का भी और वो दियो जलते हुए का भी है, लेकिन डायरेक्टर ने नजरिया दिखा दिया अपना। तो जब हम देखने और पढ़ने के अंतर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि देखने में नजरिया लिमिटेड हो जाता है, वो आप किसी और के नजरिए से देख रहे होते हैं जिसने उसे शूट किया, जबकि आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास विस्तार होता है अपनी इमेजिनेशन का, आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को फोकस में रखिए, क्योंकि पन्ने पे लिखी हुई चीज़ें हैं। आप वो नंगे बच्चे को फोकस में रखिए या उन जलते हुए दियो को फोकस में रखिए, आपके अधिकार में रहते हैं। तो मुझे लगता है पढ़ना देखने से ज़्यादा बेहतर। चलिए, फिल्मों के सफर पे अभी तक का जो रहा आपका, जितनी फिल्में आपने की और जो प्यार मिला है, क्या उसी अनुपात में मिला है जिस अनुपात में आप मेहनत कर रहे हैं? अनुपात सर मैथमेटिक्स में मैं बहुत पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी गाड़ी अभी सिर्फ पटरी पे आके खड़ी हुई है। सही मायने में मैं इसको ऐसे लूँगा कि अभी चलना भी शुरू नहीं हुआ, मतलब सीटी बजा रहा है, टीटी हरी झंडी हिला रहा है, चलो चलो जल्दी जल्दी बैठ जाओ, तो वो वाली स्टेज पे है। अभी मैंने कुछ खास किया नहीं, अभी बहुत लंबी जर्नी है करनी है। लंबी जर्नी से मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत सारी फिल्में करनी है, वो मैं अभी भी नहीं करता हूँ। अभी भी मतलब मना करने का अनुपात 98% है, हाँ करने का अनुपात सिर्फ 2% है। वही अच्छी स्क्रिप्ट का अभाव, उसमें से 50% तो इसलिए मना कर दी कि स्क्रिप्ट देना ही नहीं चाहते उनको, लग मतलब मैं ये बात मैं ये मेरा स्टेटमेंट बन गया कि वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मैंने उनसे उनकी किडनी मांगी। मैंने स्क्रिप्ट मांगी है, वो मेरा हक है। मैं जिस दुनिया में एंटर करने वाला हूँ उस दुनिया को जानने का मेरा हक है। तो आपका ईगो है या तो पता नहीं क्या है, या तो डर है कि चोरी हो जाएगी या क्या हो जाएगा, तो आप स्क्रिप्ट देना नहीं चाहते। तो जितने भी काम मना होते हैं उनमें से एक रीज़न तो होता है कि जिन लोगों ने स्क्रिप्ट नहीं दी मैंने हाथ जोड़ ली, भाई मुझे बिना स्क्रिप्ट पढ़े नहीं मैं करूँगा। दूसरी जो पढ़ी वो मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब स्क्रिप्ट है, मेरा मानना है कि मुझे ठीक नहीं लगता अभी उनमें काम करना, तो जब समय आएगा तब करेंगे। तो मैं अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके चरित्र करने हैं अलग अलग, क्योंकि जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार कॉमेडी कर तू अच्छी कर सकता है, मेरा उसमें ये जवाब है आई डोंट वॉन्ट टू डू वॉट आई एम गुड एट। मैं वो नहीं करना चाहता जिसमें मैं अच्छा हूँ, जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ मैं वो करना चाहता हूँ ताकि मैं उसमें भी अच्छा हो जाऊँ, उसमें भी सीख लूँ। तो सीखना एक प्रोसेस है बेसिकली, मतलब अच्छा करते जाने, तो सीख भी रहा हूँ कर भी रहा हूँ। तो अभी तक किस में मजा आया सबसे ज़्यादा? ये बहुत ही फालतू सवाल है वैसे। नहीं 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 सर मैं हर करेक्टर को सर उतना ही इक्वली इन्जॉय किया है। अभी आजकल जो तैयारी कर रहा हूँ उसको भी इक्वली एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब अगर मैं किसी को बोलूँ उसमें मुझे कम मज़ा आया तो इसका मतलब मैंने उसके साथ नाइंसाफ़ी किया। मैंने अपने हर कैरेक्टर के साथ अपने 100% ईमानदारी से उसके साथ इंसाफ किया और किया, तो मेरे सारे कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, सब में मज़ा आया। नहीं तो जितनी मोहब्बत आपने की उतना ही उस कैरेक्टर ने भी दिया आपको? बिल्कुल दिया, मतलब फिल्म की जो भी डेस्टिनी रही हो, बॉक्स ऑफिस पर उसने कितने कमाए हो नहीं कमाए हो, उसके अलावा मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो मिला वो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला। जैसे मैंने ये सोच के नहीं किया था कि फिल्मिस्तान मुझे मेरे घर में ये अवार्ड दिलवा देगी, ट्रॉफीज जो रखी है स्क्रीन अवार्ड से लेके आई बार ये सब या आईफा नॉमिनेशन, मैं ये सोच के नहीं किया था, मैंने तो अपना काम किया था। जी जी, ऐसे ही एयरलिफ्ट का मैंने ये सोच के नहीं किया था कि इसके मीम पिक्चर वायरल हो जाएंगे, इसके स्लोगन्स और पता नहीं क्या क्या वायरल हो जाएंगे, और कहाँ कहाँ से मुझे बच्चे वो कनाडा से किसने वीडियो बना के भेजा था मिस्टर रंजीत वाला वो छोटे से बच्चे का। तो जो एक्सपेक्ट किया था मैंने तो सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया था कि मैंने अच्छा काम किया इसका फल अच्छा होगा, लेकिन फल बहुत अच्छा होगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। और बहुत अच्छा होने के पीछे ऑडियंस कहा था, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ऐसे ही प्यार मिलता रहे, मैं भी आपको निराश नहीं करूँगा, अच्छा अच्छा काम। हमारी बातचीत लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, 1 घंटे की, और मैं तमाम जो लोग यहाँ आए देखने और या बाद में भी आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे लोग, मैं उन सभी को आपकी तरफ से ये वायदा कर रहा हूँ कि उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। डेफिनेटली मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा, हालांकि कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, कितने सारे जैसे मतलब फेसबुक पे ही देख लो कि बहुत लोगों ने बधाई दी, अब सबको एक ही जवाब दिया जाएगा शुक्रिया। अब शुक्रिया का
तो फिर वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है तो उससे बेहतर मैं फिर एक पोस्ट लिख देता हूँ जिसमें वो सबके लिए शामिल होती है। तो या तो मैं वो सबके लिए शामिल करके एक पोस्ट लिख दूंगा, या तो फिर मैं सबको यहाँ अभी मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया कह देना चाहता हूँ कि आप आए, आपने ये लाइव देखा, मेरे लिए एक स्पेशल था क्योंकि पहली बार था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी से भी, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको इंडिविजुअली भी जवाब दूँ, मिलूँ। वैसे मैं इजीली एक्सेसिबल हूँ, अवेलेबल हूँ, आप कभी भी संपर्क। चलते चलते अपनी आने वाली फिल्मों के नाम और काम बता दें। आने वाली फिल्म है अभी फिरंगी रिलीज़ होगी, जो कपिल शर्मा ने प्रोड्यूस की है, वो प्रमुख की भूमिका में भी है। बहुत अच्छी फिल्म है, पीरियड ड्रामा है, 1920 में सेट है वो फिल्म है। उसके अलावा एक फिल्म चिड़िया है जो बन के तैयार है पिछले साल से, लेकिन इंडिपेंडेंट सिनेमा की एक बड़ी मतलब क्या बोले, बैड लक ये भी है कि बन तो जाती है लेकिन रिलीज़ होने में थोड़ी सी तकलीफें होती हैं। तो वो उससे एक और अभी संदीप नाथ जी लाइव बैठे हैं, उनकी भी एक फिल्म है डीएनए में गांधी जी। तो ये तीन फिल्में बन के तैयार हैं, रिलीज़ होंगी। आगे की चीज़ें भी कुछ हैं पाइपलाइन में जिनके बारे में बात करने का अभी सही समय नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, और सही समय आने पर मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊँगा। जी जी जी, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने ये मौका दिया मुझे फेसबुक के जरिए सबसे रूबरू होने का। चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा सुना। चलिए, मैं भी भाग्यशाली हूँ इस मामले में।